हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्सट बुक डॉट कॉम यस गाइज कैसे हो आप सब लोग बाय द वे आई हमें ऑडिबल टू एवरीवन सबको आवाज आ रही है यस गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो स्टार्ट करेंगे हमारे आज के सेशन को करंट अफेयर्स के हमारे इस लेक्चर को तो गाइज वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्वेश्चन आंसर के एंगल में हम लोग न्यूज को कवर करेंगे क्वेश्चन आपके सामने पहले आएगा उसके बाद उसके ऊपर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly न्यूज किस रिगार्डिंग है और उसका आंसर क्या हो सकता है तो एक नया अप्रोच हम लोग uh, हमारे लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किए हुए तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट एंगल सो वन सेकेंड गुड मॉर्निंग टू एवरी कैसे हो आप सब लोग चलो गाइज विल स्टार्ट विद सेशन जल्दी सेशन को शेयर और लाइक like कर दीजिएगा ताकि और भी हमारे बाकी दोस्त है जो इस सेशन uh, को रेगुलरली देखते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए ठीक है यस सो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट डे की और आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे उसकी हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की बात की जाती है तो जो आज ऑफ uh, अक्टूबर uh, को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अब यहाँ पे 2020 आपको दिख रहा होगा आप कहोगे सर ये 2020 का थीम यहाँ पे आपने क्यों डाल दिया यहाँ पे 2021 का थीम चाहिए था तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो होता है वो हमने 2010 से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और हर साल बाद उसका थीम चेंज होता है पांच साल तक हम लोग उस एंगल में उसको सेलिब्रेट करते हैं तो दस से पंद्रह 15 से 20 बाद में 20 से 25 तो अभी 25 तक इसी थीम के भरोसे हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करेंगे इस डे को ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे Okay, तो आफ्टर एवरी इसका थीम चेंज होगा तो याद रखेगा आ, यहाँ पे, आ, आप ज्यादा उसको फाइंड आउट मत करते बैठिएगा कि भाई दो का थीम क्या रहेगा यह हर पांच साल बाद चेंज होने वाली चीज है बस उसके तरफ ध्यान रखिए ठीक है थीके? क्लियर है यहां पे कोई डाउट यहां पे कोई क्वेरी अब एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे आता है कि इंडिया का भी अपना एक स्टैटिस्टिक्स डे होता है जो पीसी महालनोबिस साहब है उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और वो होता है 29th ऑफ जून को ये इंडिया का स्टैटिस्टिक्स डे है ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है इस बार का थीम देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 इसको हमने अपना थीम रखा था देखिए थीम बड़ा यूनिक है इंडिया का कि पीसी ये हमारे सेकंड प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे और इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसके करता क्रिएटर ये पीसी लोबिस साहब थे बस उन्हीं की याद में हम इस डे को ऑब्जर्व करते ट्वेंटी नाइन ऑफ जून को और इस बार का थीम रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टू एंड हंगर हंगर की बात की गई थी तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है तो so उसी के अंडर ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हंगर को मिटाने के लिए भूख को मिटाने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए और जितना डेटा हमारे पास रहेगा उसके भरोसे हम लोग योजनाएं बना पाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स डे या सांख्यिकी दिवस की, की महत्व या उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर डेटा हमारे पास है हमारे पास अगर सारी इंफॉर्मेशन है तो योजना बनाने के लिए पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हमें काफी हेल्प होती है काफी मदद होती है तो यही पॉइंट यहां पे आएगा ठीक है so, सो दो पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर कर हमने लिया वर्ल्ड डे के हर साल बाद चेंज होगा उसका थीम हमने 2020 का देख लिया और इंडिया का स्टैटिस्टिक्स डे कब आता है और किसके याद में इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते ये भी हमने देख लिया प्लस इसका थीम तो मेरे ख्याल से अब गलतियां नहीं होगी इतनी बात तो आपको याद रहेगी ठीक है तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंस आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे अब शुरू करते हैं कुछ न्यूज को कवर करेंगे इंटरनेशनल नेशनल एज एज वेल स्टेट और बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्स ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज के सेशन में हमें कवर करनी है तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सेक्शन से पहले न्यूज के ऊपर आएंगे पहले न्यूज का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ठीक है चलो गाइज <coughs> तो एक क्वेश्चन हमारे पास है ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ईयर प्लान हेरोट दो, दोमार मॉडल था मेरे दोस्त हेरोट दोमार साहब ने वो आ, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान नहीं दिया था उनका मॉडल था वो एक इकोनॉमिस्ट थे उनके मॉडल को यूज किया गया था पहला फाइव ईयर प्लान क्रिएट करने के लिए ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा चलो दो सॉरी यहां पे हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहा विद द फॉरेन मिनिस्टर सॉरी विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड इंडिया होल्ड द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग इन अक्टूबर 2021 सो so, अक्टूबर 2021 में हमारा एक वर्चुअल मीटिंग हुआ है किस कंट्रीज के साथ अब इसको नया क्वाड कहा जा रहा है क्वाड आपको क्वाड याद होगा हमने लास्ट टाइम क्वाड के ऊपर बात की थी क्वाड में चार कंट्रीज आती है के सो so, क्वाड के अंदर हमने बात की थी यूएसए जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अब ये कंट्रीज के मीटिंग होने के बाद इसको नया कॉर्ड कहा जा रहा है यहां पे इंडिया इन्वॉल्व है चलो देख लेते हैं यहां पे देखिए इंडिया इन्वॉल्व है इजराइल है यूएस है और यूएई है ये चार कंट्रीज एक साथ आ गई और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ अब ना पॉलिटिकल गलियारों में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चा चल रही है कि ये नया कॉर्ड बन रहा है एक कॉर्ड ऑलरेडी है जहां पे यूएस इंडिया उनके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया है जो मराटाइम या सी लेवल पे अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो कौन वहां पे ज्यादा फोकस वर्क करता है अब यहां पे बात की जाएगी इसराइल एक साथ आ गईन मिनिस्टर्स एक साथ आगे एंड मीटिंग हो गई अभी हमारे फॉरन मिनिस्टर साहब इसराइल गए हुए ये हम सबको पता हुआ है तो वहां पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई अब ये चारों कंट्रीज साथ में आ गई तो क्या फायदा होगा क्या एग्जैक्टली एक्टली सिनारी जराइल की बात करेंगे तो इसराइल इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है काफी ओल्ड फ्रेंड है और डिफेंस एंगल में काफी सारी मदद इसराइल करता है यूएई की बात करेंगे तो यूए के अंदर काफी सारे इंडियंस काम करते हैं आपने बहुत सारे इंडियंस को माइग्रेट होते हुए देखा होगा कि यूए के अंदर काफी सारे इंडियंस हैं जो वहां पे वर्क करते हैं तो यूए का इकोनॉमी इंडियंस के ऊपर काफी डिपेंडेंट है और यूएसए जहां कहीं भी मौका मिले यूएस को टांग डालने की बड़ी आदत है यहां पे भी यूएस आ चुका है यहां पे इन चारो, इन चारों तीनों कंट्रीज की मदद करने के लिए तो ये चार कंट्रीज का एक ग्रुप है इसको कॉड ऑफिशियली नहीं कहा गया है पर इसको नया कॉड कह सकते हैं ऐसा बहुत सारे लोग मैंशन कर रहे हैं अब देखिए एस जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है इसराइल के फॉरन मिनिस्टर लैपिड देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिकन दॉशिंगटन से और यू ए के फॉर मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहायन सो so, ये सारे ये चारों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स इनका मीटिंग हुआ अब डिस्कशन किस एंगल में हुआ चलो बात कर लेते देखिए ऑलरेडी स्टेप ऑफ दल कोशियन कंट्रीज अब्राहम इसके ऊपर बात करेंगे याद है लास्ट ईयर हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि अब्राहम एग्जैक्टली exactly क्या है तो इसराइल और यूई इन दो कंट्रीज के बीच में सुलह हुई थी और उसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है यह बहुत चर्चा में चल रहा था अब्राहम करवाने के बाद लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप वापस एक बार इलेक्शन जीत जाएंगे बिकॉज अब्राहम देखिए इज जू बेस्ड कंट्री है यूएई मुस्लिम कंट्री है अब इन दोनों कंट्रीज में पहले से काफी सारा इश्यूज चल रहे थे बिकॉज पैलेस्टीन को लेके पर बाद में इसराइल और यूएई ने एग्रीमेंट साइन कर लिया और जिसको अब्राहम हैं और यूएस की मदद से एग्रीमेंट साइन किया गया इसके अलावा इंडिया इसराइल यूएई इनके रिलेशंस अच्छे से पहले से चल रहे थे तो यही चारों कंट्री एक साथ आ गई और यहां पे इन्होंने डिस्कशन किया कि चलो हम एक दूसरे को मदद करेंगे यहां पे फायदा किसे होगा देखिए एक तो तालिबान वाला इश्यू चल रहा है दूसरा चाइना चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसीलिए ये न्यूज बहुत मैटर करने वाली है प्लस अब्राहम अकॉर्ड याद रखेगा इस्लामिक कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करती है या कोई पीस एग्रीमेंट साइन करती है तो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर ही वो एग्रीमेंट साइन किया जाता है जब इसराइल की बात की जाएगी इसके पहले जॉर्डन के साथ इजिप्त के साथ भी इसराइल एब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुकी है और अभी यूए की बारी आ गई ठीक है so, सो मेरे ख्याल से यहां पे आपको दिक्कत नहीं जाएगी क्लियर है दोस्तों यस ये न्यूज क्लियर है यहां पे चीजें आपको क्लियर हो गई है एनी डाउट एनी ओके यस

इंडियंस यूएई में काम करते तीन मिलियन इंडियंस यूएई के अंदर काम करते हैं तो यूएई की लगभग पूरी इकोनॉमी तो तो रहेंगे बिल्कुल दोहराए नहीं है और यही पे पूरा न्यूज था ठीक है so, सो नया जिसको कहा जा रहा है कि ऑफिशियली नहीं कह रहे पर कहा जा रहा है तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखेगा ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते यस इसराइल yes, जेरूसलम करेंसी यू अबुधाबी की बात करेंगे currency, USA, currency, तो बस यहां पे कुछ कंट्रीज uh, का जो स्टैटिक डाटा होता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए स्पेशली एस एस सी एग्जाम्स या फिर बैंकिंग के अभी प्योर क्लर्क के एग्जाम्स आने वाले वहां पर आपको ये डेटा स्पेशली करेंसी वाला डेटा बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा चलो दोस्तों आगे बढ़ते अब एक क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन यह कि विच कंट्री टेस्ट फायर वन बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट ऑन द नाइनटीन ऑफ अक्टूबर 2021 कल जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे तो लेक्चर के बाद ये न्यूज अनाउंस हुई थी कि इस कंट्री ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल है जो लॉन्च किया और ये बैलिस्टिक मिसाइल अपने सबमरीन से लॉन्च किया तो सबमरीन बेस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अबे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों नॉर्थ कोरिया ये ऐसी हरकतें इन ऑप्शंस में नॉर्थ कोरिया ही कर सकता है नो डाउट अबाउट दैट चलो स्टार्ट करते नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया के जो हेड uh, है उनका नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि उसका कैपिटल क्या है और उनके जो हेड है उनका नाम भी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा अब देखिए एस एल बी एम एस एल बी एम का फुल फॉर्म है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है सबमरीन से इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया और इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर काफी डर पैदा हो चुका है साउथ कोरिया में जापान में एज वेल एज यूएस में बिकॉज ये सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने आप में काफी यूनिक बनेगा तो नॉर्मली क्या होता है मैं बैलिस्टिक मिसाइल की आपको एक बार इंफॉर्मेशन देता हूं देखिए ये है मिसाइल का सिनारियो। तो एक साथ चार पांच जगहों पे हीट कर सकता है so, मिसाइल्स का हीटिंग पावर बड़ा खतरनाक होता है और काफी डेंजर तरीके से हीट करेगा रशिया की बात करेंगे रशिया का बैलिस्टिक मिसाइल्स दस दस हजार किलोमीटर तक के बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया के पास है हमारे पास भी अग्नि अग्नि मिसाइल पता होगा आपको ये मिसाइल्स भी बैलिस्टिक मिसाइल से हजार किलोमीटर की उसकी रेंज है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का ये सीन है अब जो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है वो सबमरीन बेस्ड है सबमरीन जो रहेगी वहां से उस मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो भाई कहां पे भी कहीं किसी भी तरीके से अटैक होने के चांसेस है एंड देखिए उनका खुद का ये कहना है कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेपन है

सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो मैंने आपको पॉइंट मेंशन किया था सिनपो नाम का उनका एक कोस्टल एरिया है यहां से इसको लॉन्च किया गया सिनपो की बात करेंगे ठीक है सिनपो देख लेते यार सिनपो कहां पे आता है एक बार नॉर्थ कोरिया को भी देख आ, देखने में मजा आ जाएगा चलो एक काम करते हैं सिनपो देख लेते कि भाई सिनपो कहां पे आ, या सो ये रहा आपके मैप आपके स्क्रीन के ऊपर ओके ये है नॉर्थ कोरिया के आ, आपको बता होगा ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में डाल दिया था तो जिस एरिया की मैं बात कर रहा था यह है वो एरिया ठीक है यहां पे उनका सारा बेस है बाय द वे जो एरिया ना यहां पे उनके सारे सबमरीन्स होते हैं यहां पे उनके मैक्सिमम सारे वेपन्स हैं तो इसी जगह से इसको टेस्ट फायर किया गया इसी जगह से इसको के अभी क्लोज लिखा हुआ है अभी अभी ऑब्वियसली अभी अभी फिलहाल बंद होगा सो okay. so, यहां से इन्होंने सारी टेस्ट फायर किए दैट इज अ प्लेस सो आप देख सकते हो यहां से आ, आ, काफी इजी है साउथ कोरिया में लॉन्च करना काफी इजी है जापान के अंदर लॉन्च करना और यूएस मैंने पहले भी कहा था यूएस को हर जगह फटे में टांग डालना बड़ा अच्छा लगता है तो यूएस का भी कहना है कि भैया हम भी बहुत वरिड हो गए और यूनाइटेड नेशन ने बाय द वे नॉर्थ कोरिया को मना करके रखा हुआ है कि आप कोई लॉन्चिंग नहीं करोगे तो ये पॉइंट भी उन्होंने मैंशन किया था ओके uh, okay. चलेगा चलो आगे बढ़ते हैं Yes, guys. So, ये था हमारा न्यूज रिगार्डिंग द नॉर्थ कोरिया उनकी बात करते वो यहाँ के हेड है एंड हमने कंट्री का यहाँ पे नाम भी देख लिया था सो पेंगोंग एंड नॉर्थ कोरियन वन इज देयर करंसी सो वी नो अबाउट दैट एंड किम जोंग उनके हेड है बार बार उनके ऊपर बात होती है लास्ट टाइम uh, उनके हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की थी यार उनके हाइपरसोनिक मिसाइल को भी नाम बताएगा मुझे लास्ट टाइम हमने उनके हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की थी जल्दी से उनके हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइए उसका भी नाम बता दीजिए कि इंडिया के मिसाइल का नाम क्या नॉर्थ कोरिया ने भी एक मिसाइल लॉन्च किया था रिसेंटली उसका नाम और जिरकॉन तो रशिया वाला है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यस हॉसोंग एट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एब्सोल्युटली सोंग एट की बात करेंगे तो हॉसोंग एट ये नॉर्थ कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है इंडिया का यस yes गाइस कोई बताएगा इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल जल्दी से बता दीजिएगा यस yes, आपको एक बात बताओ नॉर्थ कोरिया के मैक्सिमम मिसाइल्स के नाम, ने से, ही स्टार्ट के नाम से स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम मिसाइल्स के नाम हॉसोंग से स्टार्ट होते हैं तो आपको याद रखने के लिए बड़ा इजी है हॉसोंग नाम देख लिया तो याद रखिएगा ये नॉर्थ कोरिया वाला मिसाइल है बिकॉज मैक्सिमम मिसाइल्स के नाम ये इसी से स्टार्ट होते हैं के शौर्य यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो शौर्य ये हमारे मिसाइल का नाम है आ, हमारे ना, हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने वेरी गुड गाइड्स चलो तो जो नए लोग हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी उम्मीद करता हूं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं अब नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा विथ विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड इट्स इनग्रल मराटाइम डायलॉग कि ये पहली बार इस कंट्री के साथ हमने मराटाइम डायलॉग में समुद्री संवाद जिसे कहा जाता है हमने ऑर्गेनाइज किया था बाय द वे मई 2021 में इन दो कंट्रीज के पीएम का मीटिंग हुआ था उन दो कंट्रीज के पीएम के मीटिंग के बाद अभी इंडिया और इस कंट्री ने अपने समुद्री संवाद या मराटाइम डायलॉग को आगे बढ़ाया हुआ है कि अभी साथ में काम करते हैं ऑलरेडी कंट्री इंडिया के साथ अच्छे से वर्क कर रही है काफी काफी अच्छे relations है, अब हम काफी stronger तरीके से इस country से इस को आगे बढ़ाएंगे। हुए, और यहां पे बात की जाएगी यूके की बोरिस जॉनसन याद है आपको मंथ ऑफ मई में बोरिस जॉनसन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुआ था उस वर्चुअल मीटिंग में आपको याद होगा अच्छे से विप्रो एंड uh, जो हमारा सिरम इंस्टीट्यूट है इनकी दो ब्रांचेस यूके के अंदर ओपन करने की बात की थी याद है आपको कि इंस्टीट्यूट अपना मैन्युफैक्चरिंग यूके के अंदर करने वाला है विप्रो अपना इनोवेशन सेंटर यूके के अंदर ओपन करेगा उस एंगल में एग्रीमेंट्स हुए थे अब उसी एग्रीमेंट में बात हुई थी कि समुद्री रिलेशंस को लेके जो तो समुद्री रिलेशंस होते हैं उसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम साथ में काम करेंगे तो इन्होंने 2030 का रोड मैप दिया हुआ है कि इंडिया यूके रोड मैप फॉर 2030 2030 तक रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग करने कि इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर यूके बनना चाहिए। देखिए आज के डेट में सऊदी अरेबिया ये कंट्रीज आती है अभी यूके भी इसी सारे लेवल पे आना चाहिए एंड डेट्स ये रिलेशंस बनाने की बात की हुई है बोरिस जॉनसन साहब के कंट्री के साथ फिलहाल वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर है आपको अच्छे से याद होगा देखिए एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन इन दराटा डोमेन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन याद आपको यहाँ के के पे, पे बात यह की है कि इंडो पैसिफिक जो ओशन है जो समुन्द्र है वहां पर रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है अब देखिए इंडिया कितना शातिर तरीके से वर्क कर रहा है ध्यान दीजिएगा यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया

दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है ये कहीं ना कहीं हमने सुना था यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर इंडिया बड़ा शातिर कंट्री है नो डाउट अबाउट दैट और करना भी चाहिए चाइना जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है उसको अगर साइडलाइन करना है तो भैया दोस्तों को लेके आइए जितने आपके दोस्त यहां पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली चाइना एक स्टेप पीछे जाएगा और यहां पे रिलेशन स्ट्रांग करने की बात हो रही है इसका दूसरा भी एक फायदा है दूसरा फायदा यह है कि हमारे यूके के साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे हमारा निर्यात बढ़ जाएगा तो हमारे पास भी पैसा ही पैसा आएगा तो यह भी बात सही आता थी तो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वही रिलेशन यहां पे स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है एवरी वन नोज पाउन स्टर्लिंग इनका करेंसी है बोरिस जॉनसन साहब उनके प्राइम मिनिस्टर है और नेशनल स्पोर्ट्स क्रिकेट है देखते टी ट्वेंटी में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं भैया इंडिया जीत जाए यही हमारी उम्मीद रहेगी भले आपका नेशनल स्पोर्ट होगा पर भैया हमारे दिल में क्रिकेट बैठता है ठीक है चलो गाइज सो ये सीन यहाँ पे आता है आ, यस ठीक है चलो मैं इतने दिन कहा था कि मैं इतने दिन आ, मैं बस यही आ, यही सारे एग्रीमेंट्स करवाने में बिजी था ठीक है ऐसे ही कुछ समझ लीजिए अभी आगे बढ़ते हैं चलो आ, यस नाउ अब बड़ा बड़ा बेहतरीन सा न्यूज है एक्चुअली यह स्टेट न्यूज है स्टेट न्यूज है पर बड़ा अच्छा न्यूज है देखिए विच ए स्टेट क्राइम डिटेक्शन रेट ऑफ 86 सिक्स परसेंट टॉप अमॉन्ग द स्टेट्स ऑफ इंडिया ठीक है चलो यस uh, ध्यान yes. दीजिएगा क्राइम डिटेक्शन रेट ऑफ 86 सिक्स परसेंट डिटेक्शन रेट यहां पे क्राइम जल्दी डिटेक्ट होता है. तो इंडिया में सबसे बेहतरीन गोवा की, जाएगी की. Yes, सबसे पहले पे क्राइम डिटेक्ट कर रहा है तो इनका नंबर सबसे पहले ऊपर आता है okay? और ये डेटा किसी और ने नहीं दिया ये डेटा गोवा गवर्नमेंट ने दिया है गोवा गवर्नमेंट का ही कहना है कि भैया क्राइम डिटेक्शन में हम सबसे टॉप में आते हैं अब भरोसा करे ना करे बिकॉज अगर डेटा होम मिनिस्ट्री की तरफ से आता हमारे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आता तो ठीक है हम भरोसा भी कर सकते थे बट तो ठीक है करंट अफेयर की बात है क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने ये डेटा प्रेजेंट किया हुआ है तो दिस डेटा इज प्रेजेंटेड बाय गोवा तो उनके यार जल्दी मुझे बताइए गोवा के पीएम कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है जल्दी कमेंट सॉरी गोवा के सीएम कौन है बहुत वेरी वेरी सॉरी ओके गोवा के पीएम हो गया गोवा सी so, के सीएम होंगे सो गोवा के चीफ मिनिस्टर साहब कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए बिकॉज गोवा गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ डेटा है चलो okay. बात करते एग्जैक्टली exactly क्या कहना है इनका प्रमोद सावंत साहब सीएम है कि जिनको मैंने गलती से पीएम बोल दिया था गवर्नर साहब का नाम बता दीजिएगा ठीक है द फिगर वाज 93 परसेंट इन 2020 एंड 86 परसेंट इन फॉर सो फॉर ना गोवा गवर्नमेंट का ये कहना है कि 93 परसेंट क्राइम डिटेक्शन था 2020 में 93 परसेंट क्या होता है यार कि अगर इंडिया में हर जगह पे क्राइम डिटेक्शन अगर 90 परसेंट से अब चला गया ना राम राज्य जिसे कहते हैं वो सही में देश के अंदर आ जाएगा तो गोवा की तारीफ करनी पड़ेगी नो डाउट अबाउट दैट 86 परसेंट अभी फिलहाल ट्वेंटी की बात करेंगे अभी 2021 खत्म होने तक तो शायद ये भी 90 परसेंट क्रॉस कर ही लेंगे नो डाउट अबाउट दैट तो बेस्ट क्राइम डिटेक्शन इन इंडिया इज इन गोवा ध्यान रखिएगा छोटा स्टेट है तो मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट करने के लिए भी दिक्कत नहीं जाती है नो डाउट अबाउट दैट दैटेस श्रीधरन पिल्लई यस एब्सोल्युटली श्रीधरन पिल्लई साहब की यहां पे बात की जाएगी एब्सोल्युटली एब्सुल्यूटलीके okay, बहुत बढ़िया ओके okay. uh, यस यस और भगत सिंह कोशारी साहब अभी नहीं है वो केवल अभी महाराष्ट्र हैंडल कर रहे हैं पहले वो दोनों स्टेट हैंडल कर रहे थे अभी पिल्ले हिसाब है जिनको गोवा का कारोबार संभा, दे, दे दिया देखिए देयर वर 34 मर्डर्स इन द स्टेट इन 2021 सो फार एंड द फिगर इज 16 के 2020 में देखिए मर्डर कितने थे 34 मर्डर्स ओनली ओके इंडिया के अभी यार चले जाइए नॉर्थ के बड़े बड़े सिटीज में चले जाइए एक सिटी के अंदर एक महीने में इतने मर्डर्स मिल जाएंगे यहां पे पूरे स्टेट में 2020 में केवल 34 मर्डर्स थे और अभी तक तो केवल 16 मर्डर्स ओके सो यस रियली वेरी गुड थिंग कि काफी अच्छा स्टेट है नो डाउट अबाउट दैट ओके अब यहाँ पे टेनेंट बिल भी यहां पे पास किया जाएगा टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ ना बहुत सारे फॉरेनर्स है जो गोवा में रहने के लिए जाते हैं तो उनके वेरिफिकेशन की भी बात की जाएगी ताकि और क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए या क्राइम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मदद मिल सकती है एंड दैट पॉइंट मेंशन बाय द गोवा गवर्नमेंट बड़ा यूनिक सा पॉइंट है बड़ी यूनिक सी न्यूज है तो क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर बनेगा ऑब्वियसली मर्डर कितने हुए ये कोई नहीं पूछने वाला है आपको ये केवल आपके नॉलेज के लिए था नहीं तो भैया बैठेगा क्वेश्चन uh, yes, uh, पहले देख लेते क्वेश्चन क्या है प्रोक्टर एंड गैम्बल आपको बताओ प्रोक्टर एंड गैम्बल पीएनजी की बात करते बड़ा बेहतरीन सा ब्रांड है उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते पीएनजी रूरल ग्रोथ फंड विल एलोकेट हाउ मेनी रूपीज टू पार्टनर विदार्टअप एंड द स्मॉल बिजनेस टू डेवलप मीडिया आउटरीच एंड गो टू मार्केट सोल्यूशन ना उनका ना पी एनजी पी एंड जी इनका एक रूरल ग्रोथ फंड है के इस फंड में कितना पैसा है जो इंडिया के स्टार्टअप को दिया जाएगा इंडिया के छोटे इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा सो दैट इंडिया में ये कंपनीज थोड़े बेहतरीन तरीके से काम करे मैं आपको इसका ना एक एग्जाम्पल देता हूं छोटे बड़े बिजनेसमैन होते हैं रूरल एरियाज में या किसी छोटे शहरों के अंदर जो सामान बेचते अगर उनको फंड की जरूरत है अगर उनको अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे की जरूरत है तो पीएनजी का रूरल ग्रोथ फंड है यहां से इनको पैसे दिए जाएंगे तो पैसे कितने दिए जाएंगे लेट स्टॉक अपॉल उसके ऊपर बात करते आपको पीएनजी बताऊगा यूएस का ब्रांड है US के अंदर ये ब्रांड क्रिएट किया गया था 1837 में तो यूएस बेस्ट ब्रांड है पी एंडी प्रोक्टर एंड गैम्बल इसकी बात करेंगे चलो अब ध्यान दीजिए ग्रोथ फंड का क्या माजरा है ग्रोथ फंड क्या है पांच सौ करोड़ फाइव हंड्रेड करोड़ का यह ग्रोथ फंड है पांच सौ करोड़ का इनका वी ग्रो नाम का एक प्रोग्राम है वी ग्रो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर ये लोग क्या करते हैं कुछ फंड जो होता है वो छोटे छोटे बिजनेस को स्मॉल बिजनेस या कोई स्टार्टअप कंपनी होगी स्टार्टअप दुकान होगी उनको यह फंड प्रोवाइड करते कि अपने बिजनेस को और आगे ले जाइए अगर उनको पी का कोई सामान खरीदना होगा कोई सामान अगर उनको बेचना होगा अपनी मार्केटिंग करनी होगी अपने दुकान की एड करनी होगी तो वी ग्रो इस प्रोग्राम के अंदर ये पैसा प्रोवाइड करते तो 500 करोड़ इसके अंदर एलोकेट किए गए हैं बाय द पी एन जी ये पॉइंट यहां पे याद रखेगा okay. गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं है okay, के बट दैट इज अ केस अब देखिए वी ग्रो के अंदर टोटल बारह करोड़ निकाल करके टोटल अभी कितने दिए 500 करोड़ टोटल जो है वो 1200 करोड़ का फंड है जो निकाल के रखा हुआ है इसके पहले 680 करोड़ ऑलरेडी वीग्रो के अंदर दिए गए हैं तो टोटल 1200 करोड़ वीग्रो के अंदर निकाल के रखे उसमें से 680 करोड़ है जो ऑलरेडी देके रखे हुए हैं अभी 500 करोड़ का प्रोविजन करके रखा है चार साल पहले पीएनजी ने इंडिया में वीग्रो कांसेप्ट स्टार्ट किया था दोस्तों ये ना इसको सीएसआर कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी याद है आपको हमने बहुत बार डिस्कस करते कि इस कंपनी ने ये सोशल वर्क कर दिया रिलायंस फाउंडेशन इंफोसिस फाउंडेशन अजीम प्रेम जी विप्रो वाले तो ऐसे बहुत सारे टाटा टाटा की बात करेंगे वो बहुत सारा लाइक सोशल वर्क करते तो पीएन जी का भी ये सोशल वर्क ही समझ लीजिए इनका भी ये सी एस आर समझ लीजिए जिसके अंडर ये छोटे छोटे बिजनेसमैन को मदद करते ग्रो होने के लिए अपने पैरों पर पे खड़ा होने के लिए एंड दट इज अ केस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नहीं है पे ये कंपनी अपने खुद के बदौलत ये काम कर रही है चार साल पहले कंसेप्ट लॉन्च किया था और जिसमें 1200 करोड़ के फंड की बात की थी उसमें से 500 करोड़ अभी रिसेंटली रिलीज किए 18, गए बाय दिस कंपनी यूएस बेस्ट कंपनी है नाइन में कंपनी बनाई गई थी याद रखेगा देखिए रूरल मार्केट अकाउंट फॉर ओवर थर्टी ऑफ द सेल ऑफ पैकेज कंज्यूमर गुड फर्म्स

किराना दुकान चलाती है जो महिला अपना बिजनेस चलाती है इनको भी फंड देने की बात की थी इनको भी हेल्प करने की बात की थी याद होगा आपको यूएस एड के अंडर ये अनाउंसमेंट लास्ट टाइम किया गया था यूपी के लिए वो केवल यूपी के लिए था ये जो अनाउंसमेंट है ये पूरे देश के रूरल एरिया के लिए है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा के यस ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं नाउ यहां पर एक रैंकिंग है रैंकिंग है यू गो यू गो नाम का एक एक फर्म है के यहाँ पे यू गो मतलब आ, हमारे गवर्नमेंट ने दिया हुआ रैंकिंग नहीं है यू गो इज अ रैंकिंग गिवन बाय लंडन लंडन बेस एक फर्म है के जिसका नाम है यू गो ये ईयर 2000 में क्रिएट किया गया था इन्होंने एक रैंकिंग दिया इंडिया के बारे में रैंकिंग किस चीज का है रिटेल रैंकिंग के सो so एमेजॉन

पेंट्री सबसे ऊपर आता है Amazon Pantry की बात की जा रही है तो Amazon Pantry सबसे टॉप में आता है सबसे टॉप में तो इंडिया में Amazon Pantry के ऊपर ट्रस्ट काफी ज्यादा है रादर देन एनी अदर ब्रांड ऐसा इनका कहना है कि हमारा या गवर्नमेंट का कहना नहीं है ऐसा यूगाव का कहना है कि Amazon Pantry के ऊपर पब्लिक ज्यादा ट्रस्ट करती है उनके क्वालिटी के ऊपर सेकंड नंबर पे आता है बिग बाजार थर्ड नंबर पे आता है डीमार्ट डीमार्ट थर्ड नंबर पे आता है ओके वैसे डीमार्ट में लोग बहुत भीड़ करते पर भीड़ भले ही करते होंगे पर अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो एमेजॉन पैंट्री ये टॉप टॉप में आएगा देन बिग बाजार आएगा बाद में डीमार्ट की बात करेंगे उसके बाद बिग बास्केट ग्रोफर्स सबकी लाइन लगती है पर यह तीन टॉप मोस्ट है ध्यान दीजिए नाउ ट्वेंटी स्कोर किया हुआ एमेजॉन पैंट्री ने Uh, इनके पूरे रैंकिंग के अंदर सो uh, so यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप के स्टोर्स को चेक किया गया और दोनों टाइप के स्टोर्स में से ये सबसे टॉप में आया हुआ है देखिए उसके बाद बिग बाजार की बात करेंगे 21.1 फॉलोड बाय डीमार्ट डीमार्ट थर्ड प्लेस पे आता है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग अगेन दिस रैंकिंग इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस रैंकिंग इज गिवन बाय लंडन बेस्ड एक फर्म है यू नाम की इन्होंने ये रैंकिंग दी हुई है ठीक है इनकी जो जो भी रैंकिंग है हम देख लेंगे बिकॉज एग्जाम में हमें आंसर मार्क करना है देखिए आपको ये रैंकिंग पसंद है नहीं है डजेंट मैटर के कुछ मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे मैंने कुछ इस न्यूज के नीचे ना आता है ना न्यूज मीडिया जब न्यूज देती है तो उसके बाद कुछ कमेंट्स आते तो मैंने देखे कि लोगों ने कहा कि ये फॉरेन ब्रांड को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे ये तो देश के प्रति गद्दारी है अलाना फलाना ओके देखिए भैया हमें एग्जाम देनी है हमें एग्जाम देनी है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड है हमें आंसर लिखना है अब कोई वहां पे चेक नहीं करेगा देश प्रति गद्दारी हो रही है आप एंटी नेशनल हो नहीं हो तो फालतू के पछड़ों में मत पढ़िए इसको पढ़ लीजिए आगे बढ़िए हमारे लिए बेटर रहेगा ठीक है चलो यस yes. नाउ <coughs> ये बड़ी बेहतरीन सी न्यूज है जो लोग शेयर मार्केट फॉलो करते होंगे थे, पब्लिक इतनी खुश थी, जिनके पास आई आर सी डी सी के शेयर है वो तो भैया दिवाली मनाना शुरू कर दिए थे और सडनली नीचे आ गए जैसे फटाके फुट जाते वैसे इनका भी दिवालिया निकल गया तो वो सीन हुआ बट हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है हमें एग्जाम के लिए यह पढ़ना है कि आप वन ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल किस पब्लिक सेक्टर कंपनी का हुआ है ये नाइन्थ पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल वन ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर गया इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिए मार्केट कैपिटल एम कैप इसका मतलब क्या होता है देखिए आपकी कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचती है तो आई के शेयर्स मार्केट में बिक रहे तो एक शेयर के

ये जो मार्क है ये क्रॉस कर दिया तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन तो बनेंगे नो डाउट अबाउट दैट सो 2021 में देखिए 300 परसेंट इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है 300 परसेंट भैया क्या होता है ये के okay. सो so, पे ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आईसी नाइनटीन नाइनटी नाइन में क्रिएट किया गया था के okay. सबको अभी रिसेंटली आईआरसी ने अपना क्रूज भी स्टार्ट कर दिया क्रूज क्रूज आजकल बड़े फेमस चल रहे थैंक्स टू आर्यन खान साहब के उनके बाद क्रूज के नाम बड़े फेमस हो गए तो आईआरसीटीसी ने भी अब एक नया क्रूज स्टार्ट किया है याद होगा आपको मुंबई से यह क्रूज चलने वाला है ओके okay, सो so हमने लास्ट टाइम उसके बारे में बात की थी अगर आपको याद होगा तो चलो एक बार देख लेते हैं और कौन सी कौन सी कंपनियां एसबीआई कोल इंडिया NMDC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस भारत पेट्रोलियम ये कंपनियां ऑलरेडी वन लाख ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है मार्केट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हमने लास्ट टाइम देखा था ठीक है सो गाइज ये है आर वाला सिनारियो तो इनको भाई मुबारकबाद तो देनी देनी बनती है और ये आगे और अच्छे से काम करे ये हमारी उम्मीद रहेगी ठीक है चलो गाई आगे बढ़ने से पहले अगर अभी फिलहाल आईबीपीएस के भी फॉर्म निकले एसबीआई पीओ के भी है क्लर्क के भी फॉर्म निकले हुए के तो हमारी कुछ नई बैचेस स्टार्ट हो रही है बैंकिंग के एंगल में तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग के तीनों एग्जाम लग के है तो आप बाकी लोगों भी मैं गुजारिश करूंगा कि भाई उसके बारे में प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए बड़ी अच्छी वैकेंसी होती है या बाकी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना होगा तो ये कोड यूज कीजिएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपके उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा कोई और भी बैच अगर आपको ज्वाइन करनी होगी तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं ठीक है चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे मेगा सेल चल रहा है हमारा टेक्स्ट बुक पास का थ्री 399 का टेक्स्ट बुक पास आपके पास है इसका मेगा सेल चल रहा है यहां पे भी आप कोड यूज कर सकते हो यहां पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सो यूज दिस कोड पास तो यू विल गेट द डिस्काउंट ओवर डिस्काउंटो चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की किट के इसका नाम रखा गया इंदस इंदस नाम देखिए इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ स्किलिंग इंदस ये नाम रखा गया अब यहां पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे के ध्यान दीजिएगा इंदस इनोवेशन डेवलपमेंट ऑफ स्किलिंग इन दस रिवर आपको पता होगी अब ये रिवर के भरोसे यहां पे नाम दिया गया है तो यह इसको लॉन्च किसने किया हु लॉन्च दिस हुए किट किसने लॉन्च की हुई है ध्यान दीजिए यहां पे मिनिस्टर साहब की बात करेंगे के और मिनिस्टर साहब यहाँ पे हमारे राजू चंद्रशेखर राजू चंद्रशेखर ये हमारे आईटी मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव साहब अश्विनी वैष्णव साहब के अंडर जो काम करते हैं वह है राजू चंद्रशेखर ये राज्यसभा के मेंबर है कर्नाटका से ये राज्यसभा के रिप्रेजेंट करते कर्नाटका से वैसे इनका बर्थ गुजरात का है वैसे बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते बीजेपी के बड़े फेमस लीडर है और इनको कर्नाटका से राज्यसभा में लाया गया है दो में याद रखेगा एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है राजू चंद्रशेखर आपको पता है बीपीएल मोबाइल था पहले बीपीएल मोबाइल बाद में हच बन गया था बाद में वोडाफोन बन गया था तो बीपीएल मोबाइल क्रिएट करने वाले ये पर्सन थे वो इन्होंने क्रिएट किया था आपको लूप मोबाइल पता होगा लूप मोबाइल भी कंपनी है कि ये कंपनी भी इन्हीं की है तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है और साथ में राज्यसभा के मेंबर है अब इन्होंने रिसेंटली कर्नाटका के अंदर इंदस इंदस का फुल फॉर्म इनोवेशन डेवलपमेंट अपस्किलिंग आईओटी का फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सपोज कोई छोटा बिजनेस मैन है कोई भी है उसको आ, इंटरनेट फैसिलिटीज चाहिए तो उसके लिए एक छोटी सी किट बना के रखी हुई है आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट या, या कार्ड होता है ना उतने साइज की किट रहेगी जहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए आपको हेल्प मिलेगी या कोई अगर हैकिंग वाला सिनारियो रोकने के लिए आपको मदद मिलेगी तो इंदर नाम का एक नया डिवाइस क्रिएट किया किट क्रिएट किया नाम रखा गया है इनोवेशन डेवलपमेंट अप जिसका लॉन्चिंग हमारे मिनिस्टर साहब के हाथों से किया गया नाम है उनका राजीव चंद्रशेखर ठीक है

देखिए राजू चंद्रशेखर ठीक है यहां पे देखिए राजू चंद्रशेखरन भी लिखा हुआ है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आंसर है 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 राजू चंद्रशेखर ये ये पहला पॉइंट कौन मिनिस्टर साहब मैंने आपको बता दिया इनकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी दूसरा इंदस का फुल फॉर्म क्या है इनोवेशन डेवलपमेंट अपस्किलिंग स्किलिंग आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का किट है जो सीडैक बेंगलुरु ने क्रिएट किया और जिसका ये राजू साहब ने किया हुआ है दैट विल बी इनफ पच्चीस सौ रुपए का ये किट है जो छोटी बड़ी कंपनियां आसानी से खरीद सकती है अपने कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टार्टअप्स को यह प्रोवाइड करने की बात हो रही है या स्टार्टअप इसको प्रोड्यूस भी कर सकता है और इस एंगल में ये अनाउंसमेंट किया गया है दैट विल बी इनफ ठीक है यस गाइज मेरे ख्याल से आपके लिए इनफ होगा कि दैट विल बी केस ओवर सीडैक पुणे के अंदर भी है बेंगलुरु के अंदर भी है सीडैक की ब्रांचेस बहुत जगहों पे के सो so, पुणे से एक्चुअली सीडैक स्टार्ट हुआ था पर बेंगलुरु के सीडैक ने इसकी शुरुआत की हुई है एक ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा चलो चलो और आगे बढ़ते और यहाँ पे बात करेंगे बेंगलुरु की बात करेंगे बेंगलुरु की बात की जाएगी तो सुपर कोरोना वॉरियर नाम का अवॉर्ड है वो होनाली दावनगिरी यहां पे किसको दिया गया कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से सुपर कोरोना वॉरियर नाम का अवार्ड है यह अवार्ड किसको दिया गया अगेन न्यूज वाला ही है ये भी चीफ कर्नाटक के अंदर की गई बेंगलुरु के अंदर अब कर्नाटक के अंदर सुपर कोरोना वॉरियर यह अवार्ड किसको दिया गया कर्नाटका के प्रीवियस सीएम साहब चीफ मिनिस्टर साहब की बात की जाएगी और प्रीवियस सीएम थे येदुरप्पा जी याद है आपको सो साहब को अवार्ड दिया गया सुपर कोरोना वॉरियर अब इनको क्यों अवार्ड दिया आपको याद होगा ये ऐसे सीएम साहब है दो बार कोविड हुआ था इनको खुद को दो बार कोविड हुआ था फिर भी इनका काम रुका नहीं था वो काम करते रहे तो उनके उस एफर्ट के लिए उनके उस मेहनत के लिए इनको बसवराज बोमाई गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया गया कोरोना सुपर कोरोना वॉरियर नाम का अवार्ड है इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं देखिए पांच हजार दो सौ कोरोना वॉरियर्स है हेल्थ इनको इनको भी भी फेलिसिटेट किया गया दिए गए पर जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो प्रीवियस सीएम थे, so, थे कर्नाटका के गवर्नर कौन है गवर्नर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोमाई ये तो सीएम है कर्नाटका के गवर्नर साहब का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा देखते कितने लोग इसका आंसर करेंगे yes, guys, कोई बताएगा? यस yes, थावरचंद गहलोत यस yes, बहुत बढ़िया थावरचंद गहलोत साहब की बात की जाएगी बहुत बढ़िया ओके okay? तो पहले ये यस 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 वेरी गुड नाउ अक्टूबर 2021 रेलवे बोर्ड हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू क्लोज डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग अब इंडियन रेलवे ने अपनी दूसरी कंपनी बंद करवा दी कि पहली कंपनी मंथ ऑफ एक एक और कंपनी थी मंथ ऑफ सितंबर में बंद करवाने का अनाउंसमेंट किया था अब दूसरी कंपनी है जिसको इंडियन रेलवे अभी फिलहाल बंद कर रही है तो कौन सी कंपनी जो इंडियन रेलवे बंद करने वाली है देखते इसके नाम नाम के ऊपर आते देखिए ध्यान दीजिएगा नाउ यहां पे इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2012 में इस कंपनी को बनाया गया था और इंडियन रेलवे ने कहा कि इस कंपनी को हम बंद कर देते इस कंपनी का कोई कोई वजूद नहीं बनेगा 2012 में कंपनी क्यों क्रिएट की गई थी नाम में सब कुछ लिखा देखिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए जो रेलवे स्टेशन से उनकी मरम्मत करने के लिए उनको डेवलप करने के लिए ये एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था हमारे इंडियन रेलवे ने इसको बंद करने के बाद अभी गवर्नमेंट ने किए 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी मुंबई का रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट का प्लान जब बना था वो टाइम से इसको क्रिएट किया गया पर अभी बंद करने की बात नहीं बिकॉज ये प्रॉफिटेबल नहीं है ऐसा उनका कहना है इसके पहले देखिए दो इन द मंथ ऑफ सितंबर इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूएल इसको भी बंद करने की बात की 2015 के टाइम पे इसका इसका काम करना का शुरुआत हुई थी अल्टरनेटिव फ्यूएल्स इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद करने की बात की है मंथ ऑफ सितंबर में और अभी ये जो हमारा डेवलपमेंट है स्टेशन डेवलपमेंट काउंसिल इसको भी बंद करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की हुई है यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी डिपार्टमेंट बंद कर रहा है काफी डिपार्टमेंट बंद कर रहा है विच इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो अपना अभी पब्लिक का ध्यान है नहीं

डेवलपमेंट uh, uh, के लिए यह बात की गई थी ठीक है चलेगा दोस्तों चलो सो uh, so आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आएंगे यस इंडिया विल होस्ट द यंग लीडर्स फ्रॉम 75 डेमोक्रेसीज अंडर द इनिशिएटिव ऑफ जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क द फर्स्ट बैच विल इंक्लूड लीडर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नाउ 75 कंट्रीज के लीडर्स को के इंडिया में बुलाया जाएगा अब ये क्या सीन है ये exactly एग्जैक्टली क्या है हम इसके ऊपर बात करते एक बार ध्यान दीजिएगा 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज उनमें जो पॉलिटिशियंस है जो पॉलिटिशियंस है चाहे अपोजिशन पार्टी के रहे चाहे उनके उनके गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो ऐसे पॉलिटिशियंस को इंडिया बुलाया जाएगा और उनके लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसका नाम रहेगा जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क इज द नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस तो पहले फेज में हम किस कंट्री के लोगों को बुलाएंगे तो भैया यहां पे इंडिया के नेबरिंग कंट्री की बात की जाएगी बट ऑब्वियस तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को बुलाया जाएगा तो आंसर यहां पे भूटान श्रीलंका बांग्लादेश ये भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है इन कंट्रीज के जो यंग लीडर्स है जो यंग पॉलिटिकल लीडर्स है उनको इंडिया में बुलाने की बात हो रही है तो ऐसे पचहत्तर कंट्रीज के लीडर्स को इंडिया में बुलाया जाएगा अब यह अनाउंसमेंट किसने किया यह अनाउंसमेंट किया हुआ है विनय सहस्त्र बुद्धे विनय सहस्त्र बुद्धे कौन है कि विनय सहस्त्र बुद्धे हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आईसीआर 1950 में ICCR क्रिएट किया गया था इसके हेड है डॉक्टर विनय सहस्त्र इनका अनाउंसमेंट है कि हम इस तरीके से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले याद रखिएगा। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस 1950 न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है चलो ध्यान देते Now young leaders uh, below the age of uh, 35 from the ruling party, opposition party and the other key parties are being invited. तो जो 35 साल के कम उम्र के जो लीडर्स है अलग अलग कंट्रीज के उनको बुलाया जाएगा तो पहले फेज में भूटान श्रीलंका बांग्लादेश जापान, इंडोनेशिया चिली जाम्बिया इन कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया जाएगा धीरे धीरे हम टोटल पचहत्तर कंट्रीज के लीडर्स को इंडिया में इन्वाइट करने वाले हैं एंड दैट इज अ न्यू प्लान स्टार्टेड बाय देवेंटी फिफ्थ ऑफ नवंबर को ये इनॉग्रेट किया जाएगा जिसको हम लोग जेन नेक्स्ट कहते हैं और ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा स्पीकर है वो इस फंक्शन को इनोग्रेट करेंगे यहाँ पे मोदी साहब का इनोग्रेशन नहीं होगा ओम बिरला साहब आएंगे बिकॉज लीडर्स uh, की पार्लियामेंटेरियंस की बात हो रही डेमोक्रेटिक कंट्रीज के तो 25 नवंबर को फंक्शन रहेगा ऑर्गेनाइज कर रहा है आईसीसीआर विनय सहस्त्र बुद्धे जेन नेक्स्ट नाम दिया गया सो so, 75 अमृत महोत्सव की बात हो रही है पचहत्तर कंट्रीज की बात की गई है और ओम बिरलाट करेंगे और बांग्लादेश की यहां पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो करेंसीज के नाम लिखे हुए एंड प्लस उनके कैपिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इन नेबरिंग कंट्रीज हमें अच्छे से पता ही होता है आगे बढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एम आपने कभी देखा वो म्यूचुअल फंड की डॉक्यूमेंट के एंड आप आप देखिए तो इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है उनका एक ग्रुप है उसके नए चेयरपर्सन कौन है किसको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इनका नाम देख लेते दोस्तों इनका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के हेड है सीओ है ए बालसुब्रमण्यम ए बाल सुब्रमण्यम साहब को ए एम एफ आई का नया हेड अपॉइंट किया गया अगेन एक वन मार्कर क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए एम एफ आई के नए हेड किसको अपॉइंट किया गया आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के हेड है ए बाल सुब्रमण्यम साहब दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ए एम एफ आई की थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ए एम एफ आई एग्जैक्टली क्या करता है नाइनटीन नाइनटी फाइव में

यस नेक्स्ट न्यूज के तरफ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर आता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके नए चेयरमैन और एमडी को अपॉइंट किया गया है इनका नाम यहां पूछा गया है अगेन नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कम्स अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कोई बताएगा मुझे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है मेन मिनिस्टर कौन है तो यहाँ पे दो मिनिस्टर्स बहुत चर्चा में होते हैं तो मेन मिनिस्टर साहब का नाम मैंने पूछा हुआ है जल्दी से उनका नाम बता दीजिएगा यहाँ पे तो आंसर है दोस्तों यहाँ पे आंसर है हमारा ध्यान रखिएगा अमित रस्तोगी अमित रस्तोगी साहब नेवी में काम कर चुके नेवी के ऑफिसर रह चुके आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द नेवी ही स्टार्टेड हैंडलिंग द मल्टीपल पोस्ट अभी फिलहाल चेयरमैन बन चुके नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भैया नेवी के ऑफिसर रह चुके तो इनका रुतबा बड़ा स्ट्रांग है तो अमित रस्तोगी साहब को यहां पे अपॉइंट किया गया अभी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता क्या इंडिया में जो भी रिसर्च uh, होगा जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें मदद करने के लिए यह अथॉरिटी काम करती है ये पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हेडक्वार्टर में भी पांच साल एज अ डायरेक्टर काम कर चुके एंड नाउ ही इज हैंडलिंग दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मोदी साहब के अंडर आती है मोदी साहब मेन मिनिस्टर है और उनके बाद आते जितेंद्र सिंह साहब आपने उनका नाम देखा होगा सो सो मोदी साहब साहब यस पीएम so के हाथ में एक्चुअली पूरी की पूरी मिनिस्ट्री दे दिए पहले हर्षवर्धन साहब के हाथ में मिनिस्ट्री थी अभी मोदी साहब के पास है और जितेंद्र सिंह साहब है जो मोदी साहब को मदद करते इस मिनिस्ट्री का कारोबार संभालने के लिए और उसी मिनिस्ट्री के अंडर यह डेवलपमेंट काउंसिल वर्क करती है और जहां पे रस्तोगी साहब को रिसेंटली अपॉइंट किया गया रस्तोगी साहब अगेन ये आ, हमारे नेवी के ऑफिसर रह चुके 1953 में ये क्रिएट किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज कंपनीज पेटेंटिंग हर एंगल में मदद करती है प्रमोट करती है और थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करती है यह इनकी जिम्मेदारी होती है एनआरडीसी ध्यान रखेगा ठीक है चलो

थुमाला पल्ली विनय पल्ली इनको अपॉइंट कर दिया जो बाइडेन साहब ने एक इंडियन ओरिजिन पर्सन अगर यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करने की जिम्मेदारी देता है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे आएंगे ध्यान रखेगा कि यूएसटीडीए ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी अब देखिए जैसे हमारे कंट्री में गोयल साहब कॉमर्स मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं कॉमर्स के इश्यूज को हैंडल करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसी तरीके से जब हम बात करेंगे यूएस के ट्रेड के यूएस के डेवलपमेंट के तो उसको हैंडल करने के लिए वहां पे डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे विनय थुमाला को अपॉइंट किया गया है अभी विनय थुमालापल्ली कौन है इनके फादर साहब जो थे वो आंध्र प्रदेश में साइंटिस्ट हुआ करते थे बाद में यूएस शिफ्ट हो गए इनका जन्म यूएस के अंदर ही हुआ है विनेश साहब का जन्म यूएस के अंदर ही हुआ है इनके फादर साहब आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और बड़े फेमस साइंटिस्ट थे के अब अब ध्यान दीजिएगा विनय तुम्हारा पल्ली पता है कौन है ये बराक ओबामा साहब के कॉलेज टाइम के रूम पार्टनर है बराक ओबामा साहब के कॉलेज टाइम के रूम पार्टनर है ओबामा साहब के टाइम पे ये एम्बेसडर भी हुआ करते थे डिप्लोमेट भी हुआ करते थे तो ये पहले इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट है जिनको ओबामा साहब ने अपॉइंट किया था रूममेट ही थे तो भाई एक बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी है और अभी जो बाइडेन साहब ने इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि आप ट्रेड को हैंडल कीजिए आप ट्रेड के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए तो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनका इतना बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत सारे आएंगे याद रखिएगा ठीक है सो गाइज अगेन ये कुछ दो तीन कंपनियों में काफी बड़े लेवल पे काम भी कर चुके तो इनका अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा है बहुत स्ट्रांग है और ये पहले डिप्लोमेट भी रह चुके यूएस के लिए तो दैट्स वाई दिस पर्सन मैटर्स अ लॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आपके पास है हु हैजन द ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रेमीओ प्ला प्लेनेटा लिटरेसरी प्राइज द फॉर द नॉवल द बीस्ट बाय द वे प्राइस ना ये प्राइस जो आता है ये प्राइस बेसिकली है फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री का प्राइस है के और ये प्राइस किसे मिला तो यहां पे जो नाम है ना उनका नाम है कैमेर मोला कैमेर मोला इनको ये प्राइस मिला पर कैमेर मोला कि अब इनके ऊपर हम बात कर हैं देखिए ये प्राइस वैसे स्पेन का अवार्ड है स्पेन कंट्री की तरफ से अवार्ड मिलता है स्पेन का सबसे बड़ा लिटरी अवार्ड है अब आप कहोगे सर ये स्पेन वाला अवार्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं हमारे एग्जाम में थोड़ी ना आएगा हम का पहले तो कभी नहीं पढ़े रीजन मैं आपको बताता हूं ये अवार्ड दिया गया कैमरन मोला को

तीन लोग हैं देखिए ये तीन लोग हैं इन्होंने कैमरोन मोला नाम से नॉवेल लिखना शुरू किया था तो ये न्यूज इसलिए फेमस बन गई बिकॉज अभी तक दुनिया ये समझ रही थी कि कोई महिला है जो बड़े बेहतरीन तरीके से नॉवेल लिखती है द बीस्ट नाम का उनका नॉवेल है और जब अवार्ड दिया गया तब पता चला कि ये तीन मेल थे तो पूरे वर्ल्ड में ये खबर काफी फैल गई तो यहां पे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं देखिए देखिये जॉर्गेडियाज ऑगस्टिन मार्टिनेस एंड एंटोनियो मार्सेरो ये तीन लोगों ने मिलके इस नाम के ऊपर नॉवेल लिखना शुरू कर दिया एंड दिस नॉवेल इज रियली फेमस ओके बाय द वे कैमरॉन मोला की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे बेहतरीन क्राइम नॉवेल लिखने वाले लेजेंड में इनका नाम ये, आ, शुमार होता है और इसीलिए इस न्यूज को देखना जरूरी हो गया अदरवाइज okay. अवार्ड इतना मैटर नहीं कर रहा था पर ये exactly कौन है ये सस्पेंस जब ब्रेक हुआ तो न्यूज बन जाती है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 1952 में अवार्ड शुरू किया गया था स्पैनिश पब्लिशर की तरफ से अवार्ड मिलता है नॉर्मली यूरोपियन नॉवेल्स या स्पैनिश नॉवेल की बात की जाएगी इनको यह अवार्ड दिया जाता है यस <coughs> yes, uh...

ठीक है सौ साल हो गए बाय द वे के सौ साल हो गए हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के क्रिएशन को एग्जीक्यूटिव बोर्ड को तो उसका सेलिब्रेशन किया गया यार मुझे एक बात बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक के हेड कौन है इंचार्ज कौन है न्यूज शायद यहां पे डिलीट हो गई मैं आपके नोट्स में न्यूज डलवा देता हूं डोंट वरी अबाउट दैट ओके न्यूज शायद यहां से ड्रॉप हो गई बस मुझे बता दीजिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के हमारे हेड कौन है हमारे इंचार्ज कौन है सौ साल हो गए तो सौ साल का सेलिब्रेशन था के, जो रिसेंटली करवाया गया जल्दी से कमेंट सेक्शन के के अंदर अंदर उनका नाम डाल दीजिए। बाकी न्यूज़ आपके नोट्स के अंदर डलवा देता ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है सिंपल सा न्यूज है आगे बढ़ेंगे फ्रांस इन द इंडिविजुअल वुमेन्सबर इवेंट नाउ सैबार इवेंट के अंदर कौन है जो इस इवेंट को जीते हुए इंडिया से बात की जाएगी बाय द वे ये टूर्नामेंट है तलवारबाजी तलवारबाजी आपको याद है कि तलवारबाजी का टूर्नामेंट है और इंडिया की सबसे बेहतरीन तलवारबाजी में फेंसर जिसको कहा जाएगा वो है भवानी देवी सो so, भवानी देवी वन ओवर यस थॉमस बैट से आपकी बात करेंगे बहुत बढ़िया सो okay. so, भवानी देवी इन्होंने एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर आपको बताऊंगा पहली बार कोई महिला ने तलवारबाजी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कि पहला राउंड जीत भी गई थी सेकंड राउंड में हार गई चलो कोई बात नहीं पर फ्रांस में जो टूर्नामेंट थी उस टूर्नामेंट में वो जीत हासिल कर चुके सो भवानी देवी की बात करेंगे चेन्नई से बिलोंग करती है वैसे पेरेंट्स उनके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे बट चेन्नई बाद में शिफ्ट हुए तो चेन्नई से बिलोंग करती है और आपको पता है भवानी देवी इनका पूरा का पूरा स्पोर्टिंग एजुकेशन ये राहुल द्रविड़ स्पोर्ट्स फाउंडेशन के थ्रू हुआ है सो so, राहुल द्रविड साहब का स्पोर्ट्स फाउंडेशन है उनके फाउंडेशन के थ्रू इनको फेलोशिप मिली थी और उसी फेलोशिप के भरोसे इनका फेंसिंग का करियर आगे बढ़ा है तो so, द्रविड़ साहब का रोल सॉरी okay. द्रविड साहब का रोल यहां भी आता है द्रविड साहब ने यहां भी रोल बहुत अच्छा प्ले किया हुआ है एंड शी गॉट द अवार्ड ओवर ऑवरियर सो ओलंपिक्स में आपको पता होगा पहला राउंड तो उन्होंने जीता था सेकंड राउंड के अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा था केस करंटली वर्ल्ड में पचासवा रैंक आता है इंडिया में टॉप रैंक फेंसर है नो डाउट अबाउट दैट एंड शीज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टू एशियन गेम्सो उ एशियन गेम्स के अंदर इनको जीत हासिल होगी ठीक <coughs> है चलो लास्ट न्यूज की तरफ आते हैं आपको बताएगा टाइम्स हायर एजुकेशन का लिस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन का लिस्ट आता है जिसको द कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज इमर्जिंग इकोनॉमीज मीन जैसे इंडिया रशिया चाइना जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है इकोनॉमिक्स के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है इनका रैंकिंग आता है अगेन द टाइम हायर एजुकेशन इनका रैंकिंग है पर ये रैंकिंग पूरे वर्ल्ड का नहीं है ये रैंकिंग केवल इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का रैंकिंग है और 2022 हजार ऐसा इस रैंकिंग का लिखा गया 2022 के एंगल में रैंकिंग दी गई अब ध्यान दीजिएगा इस रैंकिंग में इंडिया से आई सबसे टॉप में आता है

टॉप uh, टेन में सात यूनिवर्सिटी आती है अगर टोटल हम बात करें टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टोटल यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा रशियन यूनिवर्सिटी है हंड्रेड उसके बाद नाइनटी सेवन चाइनीज यूनिवर्सिटी है और उसके बाद एटी नाइन इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो इस रैंकिंग के अंदर आती है 500 यूनिवर्सिटीज की बात की जाएगी तो यहां पे 100 यूनिवर्सिटीज रशिया से 97 यूनिवर्सिटीज चाइना से और 89 यूनिवर्सिटीज ये इंडिया से आती है इस पूरे रैंकिंग में ये रैंकिंग केवल इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का है बाकी इकोनॉमिक्स का नहीं है चलो इंडिया की बात करेंगे इंडिया में देखिए आई ये एटीन पर अठारहवें नंबर पर आ रही है देन जेएसएस अकेडमी

टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में ये आईआईटी बॉम्बे दिल्ली वल्ली पार्टिसिपेट नहीं करते उनका ये कहना है कि इन रैंकिंग के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है ऐसा ये हमारे कंट्रीज के आई कहती है नहीं तो इनका भी रैंकिंग यहां पे आ ही जाता नो डाउट अबाउट दैट दैटे तो एक पॉइंट यहां पे याद रखना अगेन दिस रैंकिंग इज अबाउट ओनली अबाउट इमर्जिंग इकोनॉमीज उनका ही रैंकिंग है बाकी आ, बाकी कंट्रीज का यहां पे रैंकिंग नहीं है तो गाइज ये था हमारा कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था क्वेश्चन के थ्रू हमने इसको आजकल डिस्कस करना शुरू कर दिया है. तो सेशंस आ, अगर आपको लाइक आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब भी दबा दीजिएगा बजे नौ बजे नौ हम लोग मिलेंगे बैंकिंग चैनल के ऊपर और जहां पे मैं कुछ स्टैटिक एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं बैंकिंग एग्जाम के एंगल में तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो नौ बजे अभी थोड़ी देर से वो सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो मैं यहां से आपका अलविदा लेता हूं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और भैया सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और नोट्स के लिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है गाइस चलो बाय बाय टेक केयर